न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध पार्क के सामने ही शराबियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मी की भी नशेड़ियों ने नहीं सुनी। आपको बताते चले कि गौतम बुद्ध पार्क के सामने यातायात पुलिस बूथ के निकट ही सड़क पर ही अवैध रूप से सर्विस सेंटर बनाया गया है और यहाँ रोड पर सीमेंट के पिलर लगाकर रोड का डायवर्जन किया गया है। जहाँ रोड पर खड़ी करके टैक्सी टेम्पो की मरम्मत की जाती है, वहीं शाम होते ही यहाँ कारीगर नशे में धुत होकर मारपीट करते हैं। आखिर किसकी शह पर यह चल रहा है और बीच रोड पर यह गाड़ियों का गैराज जो है वो चल रहा है और पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है। तो आपको बता दें लखनऊ से खबर है जहां पर शराबियों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है और इसको लेकर पुलिस सख्त दिखाई नहीं दे रही है और बताया जा रहा है कि यहां सड़क किनारे ही हाथापाई की गई है और इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि हाथापाई करने वाले लोग नशे में धुत थे। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि पुलिस सख्त नहीं दिखाई दे रही है और नशेड़ियों का जो यहाँ पे कारोबार चल रहा है और शराब के नशे में मारपीट की गई है। देखिए, ये जो सूचना मिल रही है, जिस तरीके से वीडियो आए हैं और वीडियो वायरल भी हुआ है, इस वायरल वीडियो में जानकारी मिल रही है कि ये रोज का काम है और आज का कोई नया नहीं है और लखनऊ की राजधानी में ऐसा हो रहा है और नशेड़ी आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो वहां बैठती है, मुझे लगता है उसको भी इस बारे में संज्ञान है या नहीं संज्ञान है, लेकिन हो सकता है वो संज्ञान लेने के बाद भी शायद नहीं ध्यान दे पा रहे होंगे। और दूसरा, जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में मुझे लगता है किसी ने जिसको वीडियो वायरल किया है उसमें एक चीज ने दिखाने की कोशिश की है कि लखनऊ राजधानी के अंदर जो नशेड़ियों का उत्पात है उस उत्पात पर लगाम नहीं लगाई जा रही है और नशेड़ी किस तरीके से आपस में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मारपीट कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश यानी राजधानी जो लखनऊ की है, लखनऊ की राजधानी में जब नशेड़ियों का इस तरीके का आतंक है तो वहां पर जो पेट्रोलिंग है, जो पिकेट है पुलिस की, क्या वो वहां पर नहीं होती है या वहां पर कोई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं रहता या उसको ध्यान नहीं देता, ये एक सवाल है। लेकिन राजधानी लखनऊ में नशेड़ियों के जो आतंक है, ये इसी टाइप के जो लोग हैं, गिरोह के वही लोग हादसे करते हैं, उन्हीं की वजह से घटनाएं होती हैं और घटनाओं से फिर बाद में पुलिस जागती है जो पहले जागना चाहिए। बिल्कुल दानिश, ये जानकारी भी सामने आई है कि रोड पर ही सीमेंट के पिलर लगाकर रोड का डायवर्जन किया गया, इसमें कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है? देखिए, टैक्सी स्टैंड जो जहां तक थे, सरकार ने इस पर सख्ती से काम किया था, मुख्य सचिव ने भी आदेश किया था और इसको लेकर के प्रशासन और पुलिस भी गंभीर थी कि अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं लगे, लेकिन जिस तरीके से डिवाइडरों को बना करके टैक्सी स्टैंड बनाने का काम किया रहा, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक मिनी टैक्सी स्टैंड बनाने का जो कार्य ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। और दूसरा ये कि उससे टैक्सी भी खड़ी हो रही है और सरकारी जमीन पर, तो उसमें जाम भी लग रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। और टैक्सी स्टैंड पर अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है और अवैध सड़कों पर अगर वो अपनी डिवाइडर बना करके टैक्सी स्टैंड के प्रयोग में लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कोई कानून व्यवस्था का भय या पार्किंग पर सख्ती दिख रही है। एक तो नशेड़ियों का उत्पात, उस पर से अवैध टैक्सी स्टैंड की भरमार, और दूसरा सड़कों पर डिवाइडर को अपने कब्जे में लेना, तो कई चीजों से लेकर के साफ सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ पुलिस को लेकर के प्रशासन को भी संज्ञान लेना पड़ेगा ताकि वहां के लोग राहत की सांस ले सके और ये महसूस हो सके कि सरकार के आदेश का पालन वहां पर हो रहा है। बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। परिवहन निगम ने बसों में निगम के राजस्व और यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में पहल करते हुए कैमरा आधारित पीपल हेड काउंसलिंग डिवाइस व्यवस्था लागू की है, जिसके माध्यम से चालक और परिचालकों के व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना और सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। परिवहन निगम में यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए निगम में पारदर्शी व्यवस्था अपनाने हुए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवहन निगम अपनी बसों में ही निगम के राजस्व और यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक नई पहल करते हुए कैमरा आधारित पीपल हेड काउंटिंग और डिवाइस व्यवस्था लागू की है। इसके माध्यम से चालक और परिचालक के व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी और बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना और सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस तकनीकी का सबसे पहले वाराणसी क्षेत्र की बसों में लाइव टेस्टिंग शुरू की गई है। तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर जानकारी सामने आई है कि
बताया जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में अब पहल की गई है और परिवहन निगम में यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए निगम में पारदर्शी व्यवस्था अपनाने हुए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की जो ये मुहिम सरकार जो लेके आई है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि प्रदेश की आम जनता खासकर महिलाओं को ये सुविधा जो मुहैया कराई जा रही है कैमरे लगाकर यात्रा के दौरान अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी वो शिकायत कर सकती हैं और हमारे चालक परिचालक का व्यवहार उस पर अंकित होगा और हमारे जो चालक हैं उनको झपकी आ जाए या फोन करें तो ये सब वो अपनी शिकायत में दर्ज होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। और दानिश, जिस तरह से खबर सामने आई है कि बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की अब गणना और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? सरकार का देखिए ये बेहतर फैसला है और इस फैसले से यात्रियों की जो दुर्घटना है उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि सबसे पहली बात जो ड्राइवर है अगर उसकी अनदेखी होगी या उसकी लापरवाही होगी तो उन लापरवाहियों पे लगाम लगेगा। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो नींद में उनकी झपकी आ जाती है तो उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा, उस पर फीडबैक लिया जाएगा। दूसरी जो डाटा कलेक्शन है यात्रियों का, कौन यात्री कहाँ चढ़ा, कैसे चढ़ा, कौन कौन से सामान उसमें रखे जा रहे हैं, लगेज को लेकर के भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सुरक्षा व्यवस्था से के मद्देनजर से सरकार का ये फैसला ठीक है और यात्रियों की सुविधा के लिए भी ठीक है। दूसरा ये है कि इस पे अमल कब तक होगा, इस पे अमल के परिणाम क्या निकलते हैं और इसमें सतर्कता कितनी बरती जाती है, क्या इसमें भी कोई लापरवाही देखने को मिलेगी, या जो ये योजना है इसको धरातल पे लाने का प्रयास किया जाएगा या ये भी सिर्फ कागजी रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा उत्तर प्रदेश में। और जो बसों के अंदर जो सुविधाएं करी जा रही हैं इसको लेकर के मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और टर्मिनल जो बस स्टैंड रहेंगे, जो मिनी बस स्टैंड है या बस स्टैंड है, उन पे जो बसें चलती हैं, यात्री रोजाना सफर करते हैं 10 किलोमीटर से लेकर के 100-500 किलोमीटर का सफर, उनके लिए भी रात भरी खबर रहेगी। पहली चीज तो ये है कि इसमें मॉनिटर करते हुए ड्राइवर से लेकर कंडक्टरों का व्यवहार भी चेक किया जाएगा कि यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या चीजें, यात्रियों की भी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। कंडक्टर और ड्राइवर की जो मॉनिटरिंग होगी वो केयरलेस और केयरफुल दोनों को चेक किया जाएगा। तो इसको लेकर के सरकार ने जो कदम उठाए, सरकार ठीक है। जैसा कि लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक ने ये बात कही है कि ये जो बस की सुविधा है सरकार का अच्छा पहल है, उसके परिणाम क्या देखने को मिलते हैं ये भी इसमें इंतजार करना पड़ेगा और धरातल पर होना जरूरी है। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि वाराणसी क्षेत्र की बसों में पहले इसका लाइव टेस्टिंग होगा और इसको लेकर भी जानकारी दीजिए और लोगों को क्या क्या सुविधा इसको लेकर हो सकती है, जैसे कि जो घटनाएं होती है वो घटनाएं अब नहीं होंगी, इसको लेकर क्या अपडेट इसमें देखने को मिल सकता है? देखिये, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सबसे पहले तो बस के पीछे यही बात लिखी होती है, तो ड्राइवरों को इस बात से सचेत पले न हुए हों कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मॉनिटर करने वाले लोग होंगे, जो उपकरण इसमें लगाए जाएंगे, उन उपकरणों के आधार पर यह बात तो साफ होगी ना कि सावधानी कहां पर हटी और दुर्घटना घटी। दूसरी चीज यात्रियों को लेकर के जो उन्होंने फीडबैक लेने की कोशिश की कि यात्रियों के लिए सुविधाएं क्या है, क्या कंडक्टर का व्यवहार सही है, या ड्राइवर किस तरीके से बस चला रहा है, उसकी ओवर स्पीड है या स्पीड है, और तीसरा जो लगेज उन पर रखे जा रहे हैं क्या उनके अंदर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि जिसमें कोई खतरा हो, जैसे कोई विस्फोटक चीज तो नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा हो, इसको लेकर के लाइव टेस्ट किया जाएगा। और ये धरातल पर जब आएगी तो ये यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा रहेगी और साथ साथ प्रशासन के भी मेहनत पर कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो कम देखने को मिलेगी और मेहनत जो है प्रशासन की थोड़ा कम पड़ जाएगी। जैसे चेकिंग रूटीन व्यवस्था जो होती है वो बस विभाग ही यानी परिवहन विभाग खुद ही मॉनिटरिंग कर लेगा, इससे लेकर के पुलिस का भी कुछ काम हल्का होगा और जो खुफिया एजेंसी है उनके लिए भी इस चीज को लेकर के थोड़ी राहत भरी खबर रहेगी यात्रियों के साथ। इस सुविधा को हम महिलाओं के प्रति भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि महिला रात के समय में ट्रेवल करने से बहुत डरती है, तो इसको लेकर वो बेखौफ रात के समय यात्रा भी कर पाएंगी, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए बनी रहेगी। बिल्कुल सी बात है, जब चलाने वाला चालक ड्राइवर पर नजर रहेगी, कंडक्टर पर रहेगी, तो यात्रियों के ऊपर रहेगी, तो उसके बाद सीधे जो महिला यात्री उन पर तो मुझे लगता है मोटिव फोकस होगा। जब फोकस होगा तभी तो पता चलेगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, या महिलाओं के साथ क्या हो रहा है बस के अंदर, क्या उनके सुविधा है, उनका सम्मान दिया जा रहा है, या उन्हें किसी बात का खौफ तो नहीं, वो बेखौफ यात्रा कर रही है। ये मैं कह सकता हूँ कि लाइव टेस्टिंग के बाद ही धरातल पर पता चलेगा कि इस सरकार की ये सुविधा कागजी कार्रवाई रहेगी या धरातल पर इससे कोई फायदा मिलेगा। बिल्कुल दानिश, अभी तक इसमें ये अपडेट आ पाई है कि वाराणसी में इसका जो पहला लाइव टेस्टिंग होगा वो कब होगा, इसके बारे में जानकारी मिली अभी? देखिए, ये जो जैसे कि सहायक क्षेत्र प्रबंधक ने जो बाइट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि इसका लाइव टेस्टिंग कल से शुरू होगा, तो अभी देखना होगा ये कल से वाराणसी में शुरू हो रहा है या राजधानी लखनऊ में, ये तो उनके विषय की बात है कि विभागीय काम है। लेकिन मुझे लगता है जब ये पब्लिक प्लेस पे धरातली काम पे आ जाएगा, जब सारी बसों में ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी,
तब इससे कहीं ना कहीं कुछ यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और महिला यात्रियों के लिए एक बेखौफ होकर के यात्रा करना उनके लिए शायद ये कि मैं कह सकता हूँ उनके लिए मैसेज जाएगा कि बेखौफ होकर के कोई महिला यात्री दूर का सफर या रात का सफर परिवहन विभाग की बसों में कर सकती है। बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ में सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा हो गया और बताया जा रहा है कि हादसे में दो लोग घायल हुए थे और जिनकी अब मौत हो गई है। कल रात को ही निशांतगंज में सड़क हादसे में दो लोग घायल हुए थे, इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई है, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव रखकर निशांतगंज चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और भारी पुलिस बल तैनात की गई है। निशांतगंज की ओर जाने वाले रास्ता बंद कर दिया गया है, वहीं परिजन जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी मामला सुलझाने में जुटी हुई है। तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर हादसे में लोगों की मौत बताई जा रही है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि पहले हादसे में दो लोग घायल हुए थे जिसके बाद उनकी जो मौत हो गई है और परिजन इसमें गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही हंगामा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और हादसे में दो लोगों की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से दो मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और भारी संख्या में अपर लोग मौजूद रहे हैं, वहीं पुलिस के इसको लेकर क्या कार्रवाई रही है? देखिए, परिजनों ने जब शव को रख करके प्रदर्शन किया तो हंगामा बढ़ना ही था। मौके पर जब स्थानीय पुलिस पहुंची तो समझाने का प्रयास तो हमेशा वरिष्ठ अधिकारी या मैं कहता हूँ लोकल की पुलिस करती है, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि हंगामा और प्रदर्शन की नौबत ही क्यों आने देते हैं? क्या ये काम हंगामा और प्रदर्शन से पहले नहीं हो सकता था? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सभी पर है, क्राइम को कंट्रोल करना सभी पर जिम्मेदारी है। तो इस बात को लेकर के परिजनों ने शव को रख के प्रदर्शन किया कि अब तक जो मामले में मैं कह सकता हूँ कि हंगामा काटा, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, FIR दर्ज हुई या FIR नहीं दर्ज हो पाई, ये एक बात की प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया जो होती है वो ये होती है कि अगर किसी मामले में कोई घटना है या कोई शिकायती पत्र आया तो उसको पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। अमूमन कुछ ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जब पुलिस के पास कोई प्रार्थना पत्र आता है तो उस पर जांच होती रहती है महीनों, FIR नहीं दर्ज होती है। कुछ ऐसे होते हैं अगर पुलिस अपने ऊपर उतर आए या अपनी अपनी मैं कह सकता हूँ कि अपने समझ में उसके आ जाए विवेक के ऊपर, तो अपने मन से कार्रवाई तुरंत ही कर देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मोटी बात है। लेकिन फिर परिजनों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया लखनऊ में, तो राजधानी में जब ये चूंकि हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ, तो अधिकारियों के हाथ पांव तो फूल नहीं थे, मौके पर सब पहुंचे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। समझाने के प्रयास में आप सब देख सकते हैं कि जो उसमें बाइट भी है और उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मामला चल रहा है। और मामला चलने के बाद जो प्रदर्शन हुआ तो पुलिस समझाने की कोशिश की, तब बात वो लोग माने, पुलिस का आश्वासन था कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी बातें मानी जाएंगी। अब ये मानी जाएंगी या नहीं जाएंगी ये उनका विषय है, लेकिन पुलिस के समझाने पर ही परिजन माने हैं और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जिस सड़क पर शव रखकर शव को प्रदर्शन में शामिल किया जाए और दूसरी चीज में लोगों को जाम की स्थिति या और लोगों को दिक्कतें उठानी पड़े। बिल्कुल दानिश, क्या इसके बारे में जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि सड़क हादसा आखिर हुआ कैसे था और इसमें जो आरोपी थे वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, पूरा मामला क्या था? देखिए, ओवर स्पीडिंग को लेकर के कई बार अभियान चलाया जाता है, लेकिन राजधानी के अंदर देखिए जगह जगह पर ट्रैफिक है, जगह जगह पर सिग्नल है। अगर राजधानी के अंदर ओवर स्पीड में किसी की डेथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, कौन है क्या है, तो पब्लिक या मैं कह सकता हूँ परिजन हो मेरे तक के या पब्लिक हो, वो नाराज होना उनका लाजमी है। और उन्होंने जिस तरीके से सड़क के प्रदर्शन किया, उनकी एक मांग सीधी सीधी ये है कि सबसे पहले तो इस पर कार्रवाई करें, उसके बाद उसको पता लगाएं या पकड़ें कि आखिर कौन था, क्योंकि ठोकने वाले ने तो ठोक दिया, जो भी अज्ञात आदमी था, लेकिन जाने वाला तो चला गया। दर्द का दर्द उनको परिजनों को होगा, वहाँ के लोगों ने इस बात को तो ये आक्रोशित थे, तब जाके पुलिस समझाने का प्रयास किया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, खुलासा होगा, जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। अब ये कब खुलासा होगा, कब पकड़े जाएंगे, ये तो पुलिस के लिए टास्क है। बाकी पब्लिक ने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन के साथ साथ लखनऊ पुलिस भी पोल खुल रही है। जी दानिश, इसमें मृतक के जो परिजन है वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मांगे रखी है? मांगे उनकी इस समय वही थी कि सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई की जाए और शव रख के प्रदर्शन का दूसरा चीज कि आखिर जो अज्ञात है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो मुझे लगता है कि पहले ये लोग थाने गए होंगे, उनकी सुनवाई नहीं हुई होगी, जब सुनवाई नहीं हुई होगी तो पुलिस ने उसको मामले में मैं कहता हूँ कि हल्के में ले लिया होगा। जब ये मामला कूल पकड़ने लगा, शव रख के प्रदर्शन होने लगा धरने पर, तब जाकर के आला अधिकारी मौके पहुंचे, और ये अक्सर होता है,
ये शव रख के, चाहे वो किसी के अज्ञात है एक्सीडेंट में मौत हो जाए या कोई घटना घट जाए या फिर दुर्घटना, अक्सर अधिकारी जागते हैं मामला गंभीर होने के बाद, जो बाद में स्कूल बनता जाता है जिस पर राजनीति शुरू होती है और राजनीति के बाद फिर वार में पलटवार वगैरह वगैरह सब कुछ शुरू होता है। लेकिन उनकी मांगे जो है वो मांगे ये है कि सबसे पहले तो उनको इंसाफ दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए, कार्रवाई करी जाए और उसके बाद की जो मांगे उनकी होंगी वो सेकेंडरी है। लेकिन पहली कार्रवाई है पुलिस से कि उसको लगातार अज्ञात वाहन से टक्कर मारी गई है, उसका ड्राइवर कौन था मालिक, कौन लोग उनको पकड़ा जाए, उनके साथ न्याय दिलाया जाए। अब जाहिर सी बात है वो अपनी मांग में क्लेम ही मांगेंगे, क्लेम रखेंगे, ये तो फिर उनका बात का विषय है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को पकड़ के दिखाए उसे। जी दानिश, क्या पुलिस अभी तक पूरा मामला शांत करवा पाई है या हंगामा अभी भी जारी है? नहीं नहीं, देखिए मामला शांत हो गया है, मामला इसलिए शांत हो गया तो मामले पर जब उसे अधिकारी पहुंचे तो परिजनों ने उनकी बात मान ली है और इस आश्वासन पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द जो अज्ञात है उसको पकड़ लिया जाएगा और आने वाले समय में इसे किसी के लिए पूरी तरीके से मामले को देखा जाएगा कहीं की सड़क हादसे दुर्घटना के शिकार लखनऊ राष्ट्रीय राजधानी में ना होने पाए। तो अभी मामला शांत हो चुका है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉल्कर की निर्मम हत्या को जायज ठहराते हुए एक युवक को बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने धर दबोचा है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस की आरोपी की तलाश थी और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पर हमले से ही आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आया युवक जिले के ही मुलादाबाद गाँव का रहने वाला है और उसका असली नाम विकास कुमार पुत्र चोखेलाल है और जबकि वीडियो में उसने खुद को ही राशिद खान बताया था। दरअसल पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का समर्थन करता नजर आ रहा है। तकरीबन 50 सेकंड के वीडियो में आरोपी युवक का कहना है, कहते हुए नजर आया कि दिमाग खराब हो तो आदमी किसी के 35 की जगह 36 टुकड़े भी कर देता और उसके लिए भी किसी के टुकड़े करना आसान है और साथ ही वीडियो वो अपना नाम राशिद खान निवासी बुलंदशहर बताता नजर आया। बता दें आपको कि दिल्ली में आफताब अमीन पूनावाला द्वारा किए गए 35 टुकड़ों को जस्टिफाई करने वाले कथित राशिद खान को आखिर यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने ढूंढ ली निकाला है और वो राशिद नहीं विकास कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसएसपी का कहना है कि उनका साफ तौर पर बयान सामने आया कि ऐसे जाहिलों की वजह से ही समाज में विश्वास टूट रहा और समाज प्रदूषित हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, जैसे श्रद्धा का केस इतना बढ़ते ही जा रहा है उसके बाद इसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं और अभी फिलहाल मामला क्या है वो विस्तार से बताइए। देखिए धन्यवाद कहना चाहिए बुलंदशहर के कप्तान को, धन्यवाद यूपी पुलिस को। मुझे लगता है कि अब बुलंदशहर की पुलिस यूपी पुलिस का इकबाल वापस ला पाएगी क्योंकि जिस तरीके से आफताब के मर्डर कांड में जो नाम राशिद था उस राशिद का नाम ही बदल गया, नाम बदला तो सीधे सीधे कहानी ही बदल गई। जब कहानी बदल गई तो यूपी पुलिस के कप्तान ने भी ये बात स्वीकार की है कि ऐसे जाहिलों की वजह से माहौल खराब होता है, माहौल खराब होना लाजमी है था कि माहौल खराब हो चुका था और हो रहा भी था। देखिए 35 टुकड़ों को जो आइडेंटिफाई किया था वो इसी ने किया था और ये अपने आप को राशिद बताया था। इसके आधार कार्ड पर जो नाम निकला है वो कोई और है। हालांकि मैं ये बात नहीं कहूंगा कि ये धार्मिक मुद्दा था या नाम बदलने से पूरी कहानी पलट जाएगी, लेकिन जो साजिश है इसके पीछे का पता पुलिस को लगाना है, जो इसके पुलिस के लिए टास्क है। और अब इसमें एक बात साफ आ रही है कि जो फ्रिज को लेकर ट्रेंड चल रहा था, जो पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था आफताब श्रद्धा हत्याकांड, उस कांड पर क्या आप पॉलिटिकल की जो पार्टियां थी जिन्होंने रोटी सेकने की कोशिश की थी, जहर घोलने की कोशिश की थी, क्या वो अब जहर को प्रदूषण से मुक्त कर पाएंगे या अपने बयानों से वो पलट पाएंगे या अब उनका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आइडेंटिफाई करने वाला राशिद नहीं निकला है बल्कि गैर धर्म का निकला है। तो मैं कह सकता हूं कि अब कप्तान बुलंदशहर को भी धन्यवाद कहना चाहिए, यूपी पुलिस को जिन्होंने खुलासा किया है और उस खुलासे से जो ये बात सामने आ रही, क्या वाकई में आफताब ने टुकड़े किए थे या टुकड़े नहीं किए थे, अब तो इसमें भी थ्योरी फंस गई है। दूसरा, जो कप्तान वहां के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की वजह से माहौल खराब होता है, तो क्या पहले पुलिस ने कोई जल्दबाजी की थी? लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से अब खुलासा किया है बुलंदशहर के एसपी ने राशिद को बनाम उर्फ मैं कह सकता हूँ नकली राशिद को पकड़ करके, तो उससे कहानियां पूरी उल्टी चलेगी और थ्योरी ही पूरी पलट जाएगी। इस थ्योरी के पीछे का कारण क्या होगा, ये किस लिए किया गया है, किसी ने ऐसा
जानबूझ कर ऐसा किया है माहौल को बदलने के लिए या राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ये सबसे बड़ा फैक्ट होगा। जो अब बुलंदशहर पुलिस के साथ यूपी पुलिस के लिए टास्क है और कप्तान को धन्यवाद के साथ एक चैलेंज भी है, चुनौती है अभी कप्तान के आगे, क्या वो ये पता लगाएं कि राशिद नकली राशिद कौन कौन से खुलासे करता है, इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्या निजी दुश्मनी थी आफ्ताब से, या आफ्ताब का कोई जानने वाला था, या किसी पॉलिटिकल एजेंडे में वो मोहरा बनाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरोपी अपने आप को राशिद बता रहा है लेकिन उसका नाम राशिद नहीं है, उसका नाम विकास निकला है, तो इसको लेकर किस तरह से मुद्दा देखा जाए, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है लगातार, जिस तरह से हम दानिश देख रहे हैं और उसी तरह से ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है लोगों को। कल देख के जब निजामी धर्मगुरु उनका जो ये आरोप आया, उन्होंने ये बात कही थी, और आज राशिद का पकड़ जाना और राशिद का अविनाश बन जाना कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तब ये पता चलता है कि धर्मगुरु ने जो बात कही थी मुझे लगता है कि शायद कुछ सोच कर कही होगी, और उनकी बात यहाँ पर 16 आने एकदम सच निकली। तो क्या अब यूपी पुलिस के पास कोई जवाब है, या श्रद्धा आफ्ताब कांड पर जो खबरें चलाई जा रही थी जिस पर राजनीति बन रही थी, क्या उसकी कोई खंडन होगा या उसका कोई सफाई देगा, ये एक बड़ा मोटिव बन गया। और राशिद अब अविनाश है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि थ्योरी ही पलट गई है। राशिद अविनाश निकला वो तो धन्यवाद यूपी पुलिस का, बुलंदशहर के कप्तान का, लेकिन अगर ये खुलासा कप्तान किसी राजनीतिक दबाव में न कर पाते या इस बात को थ्योरी पर छुपाने की कोशिश की जाती कि जो अविनाश है वो राशिद है या वो राशिद अविनाश नहीं है, तब एक थ्योरी बनती है। लेकिन अब तो कप्तान ने साफ कहा है आधार कार्ड के हिसाब से कि जो पकड़ा गया व्यक्ति था जिसने आइडेंटिफाई 35 टुकड़ों की कहानी रची थी, वो कहानी रियल थी या उस टुकड़ों को उसने वाकई में देखा था, आइडेंटिफाई किया था, इसके पीछे की कहानी अभी पुलिस के लिए बची है। अभी कहानी में ट्विस्ट इस बात का है कि श्रद्धा मर्डर कांड पे जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची थी, जिस तरीके से धर्मवाद को इसमें बीच में लाया गया, इसमें लव जिहाद की एंट्री हुई, और सबसे ज्यादा जो लोगो बनाया गया वो क्रीजर को बनाया गया जिसका ट्रेंड सोशल साइट पर चला था, अब वो ट्रेंड क्या होगा ये सोचने वाली बात है। और अब पब्लिक रिएक्शन के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आना बाकी है, और अब सुर्खियों पर ताला इसलिए लगेगा क्योंकि इसकी थ्योरी पूरी पलट चुकी है, आखिर वो 35 टुकड़े कहानी थी या रियल 35 टुकड़े थे, और राशिद ने अपना नाम क्यों बदला और अविनाश राशिद बना क्यों, इसके पीछे की थ्योरी बुलंदशहर के कप्तान के साथ यूपी पुलिस सुलझाएगी। मुझे इंतजार रहेगा कि आखिर किस बात की वो थ्योरी है और आखिर श्रद्धा मर्डर कांड में लव जिहाद की एंट्री क्यों हुई। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आरोपी बोल रहा है कि 35 की जगह अगर वो गुस्से में होता तो 36 टुकड़े कर देता, तो इस तरह के अगर आरोपी को हम बाहर रखें तो वो ऐसी हत्या कर सकता है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट सभी कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं, इन टेस्टों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और दूसरी तरफ निजामी का बयान आ जाता है एक दिन पहले, एक दिन के बाद ठीक राशिद अविनाश बन जाता है, पकड़ा गया। आप यहाँ पर जो थ्योरी है वो ये है कि ये जो कहने की कोशिश करना बता रहा था, जिस तरीके से पहले आइडेंटिफाई में जब राशिद ने बताने की कोशिश की थी जो नकली राशिद है अविनाश है, वो ये थी कि 35 टुकड़े कर चुका था, मतलब इसको साइको बताने की कोशिश की गई थी आफ्ताब को कि 36 भी कर सकता था। तो मुझे लगता है कि ये इसकी पर्सनल दुश्मनी थी, आफ्ताब को पहले से जानता था, किसी और बात की खुन्नस है, या पॉलिटिकल एजेंडे में इसको मोहरा बनाया गया, और मोहरा बनाया तो किस पार्टी ने बनाया, किस लिए बनाया, और इसमें लव जिहाद की एंट्री कराने का मकसद क्या था, इसके पीछे मोटिव क्या था, क्योंकि निकाय चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, उपचुनाव है, इन तीनों को मद्देनजर देखते हुए अब आफ्ताब और श्रद्धा की जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ट्विस्ट आने बाकी है, और अभी ट्विस्ट के साथ साथ कई परते जो छिपी हुई है उनको खुलना बाकी है। अभी जब पर्दा उठेगा तो मुझे लगता है कई राज सामने आएंगे। बिल्कुल दानिश, पर्दा उठने के बाद कई राज सामने आएंगे और इसके साथ ही श्रद्धा मर्डर केस का भी खुलासा हो ही जाएगा। दानिश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में हुई श्रद्धा बॉलकर की निर्मम हत्या को जायज ठहराने वाले युवक को बुलंदशहर पुलिस ने धर दबोचा है, और वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस की आरोपी की तलाश थी, और चौंकाने वाली बात ये निकली कि आरोपी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 5 मामले दर्ज हैं, और पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आया युवक जिले के ही मोलाबाद गाँव का रहने वाला है, जहाँ उसका असली नाम विकास कुमार पुत्र चोखेलाल है, और जबकि वीडियो में उसने खुद को राशिद खान बताया है। तो ये मामला पूरा जो है वो विस्तार से हम आपको बता चुके हैं, और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ वो भी वीडियो के बारे में जानकारी दी गई है, और युवक जो है वो श्रद्धा बोलकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब अमीन पुनावाला का समर्थन करता दिखाई दे रहा था, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।